नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। ये सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है और सपा से यहां सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव मैदान में है। डिंपल यादव के नाम का ऐलान होने के बाद से ही वो लगातार चुनाव प्रचार कर रही है और जनसंपर्क में जुटी हुई है। इसी बीच माँ के समर्थन में उनकी बेटी अदिति यादव भी चुनाव प्रचार में जुट गई है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव की बेटी अदिति यादव विदेश में पढ़ाई करती है, लेकिन इन दिनों चुनाव के बीच वो लगातार मां डिंपल के समर्थन में चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। वो अक्सर मां के साथ चुनावी सभाओं में दिखाई दे रही है, लेकिन अब वो हाथ में माइक पकड़कर उनके लिए वोट भी मांग रही है। मैनपुरी में डिंपल यादव के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची अदिति यादव ने लोगों से साइकिल पर बटन दबाकर समाजवादी पार्टी को जीत दिलाने की अपील की है। अदिति यादव ने कहा, मैं यहां आप सभी का आशीर्वाद मांगने आई हूं। आपने मेरा इतने प्रेम और अपनेपन से स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूं कि आप सभी 7 मई को जाइएगा और साइकिल का बटन दबाकर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिएगा। अपने संविधान को बचाने के लिए जय हिंद, जय समाजवाद। 7 तारीख को साइकिल का बटन दबाए और समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से जिताए। धन्यवाद, जय हिंद, जय समाजवाद। ये पहली बार है जब अदिति यादव को इस तरह हाथ में माइक लेकर चुनाव प्रचार करते देखा गया। इस दौरान मैनपुरी के लोगों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया और चांदी का मुकुट भी पहनाया गया। स्टेज पर बोलते समय अदिति थोड़ा असहज जरूर दिखाई दी, लेकिन जिस तरह वो इन दिनों डिंपल के साथ दिखाई दे रही हैं, उससे राजनीति के प्रति उनकी रुचि को देखा जा सकता है। मैनपुरी लोकसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर 1996 से लगातार समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है। यहां से मुलायम सिंह यादव 5 बार सांसद रहे। 2022 में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जब ये सीट खाली हुई तो अखिलेश यादव ने उनकी विरासत को संभालने की जिम्मेदारी डिंपल यादव को दे दी। 2002 के उपचुनाव में डिंपल ने यहां रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल की। झूठे वादों वाली सरकार कब जाने का समय आ गया है, मैं आप सभी से पूरी उम्मीद करती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा लोग आप वोट बटन दबा के समाजवादी पार्टी को विजयी बनाएंगे। इस बार बीजेपी ने डिंपल यादव के सामने जयवीर सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि बसपा की ओर से शिव प्रसाद यादव चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर सपा काफी मजबूत स्थिति में दिख रही है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि इस बार वो मैनपुरी में भी जीत हासिल कर लेगी।